नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर हैं वो शामिल किए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम सबसे पहले जो एक ही नाम जैसे जो बुक्स हैं उनको एक साथ लेंगे, साथ साथ आगे जिस एक ऑथर ने जो है काफ़ी बुक्स लिखी हैं उनको जो है एक साथ लिखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक और हिमाचल प्रदेश परिचय। तो ये दोनों ही बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही जो हैं एक ही व्यक्ति ने लिखी हैं। तो इनका जो लेखक है वो है देवराज शर्मा जी ने जो है हिमाचल में यही दोनों बुक्स लिखी हैं, और दोनों ही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी जो नाम है सिर्फ यही नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आपको इंग्लिश में भी जो है हिंदी वाले नाम ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हिमालयन पोलियंट्री और पोलियंट्री इन हिमालयाज। ये दोनों ही अलग अलग बुक्स हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जो फर्स्ट है ये DNA मजूमदार ने लिखी है, और दूसरी जो है डॉक्टर YS परमार ने लिखी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जो डॉक्टर परमार जी ने लिखी है ये काफ़ी बार पूछी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट उनकी बुक्स मानी जाती हैं। एक और बुक डॉक्टर YS परमार जी ने लिखी है, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट है, हिंदी में भी सेम है। तो ये बुक भी जो है डॉक्टर YS परमार जी ने लिखी है। इनके अलावा और भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिसमें शांता कुमार प्रमुख हैं। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं जिनमें उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं धरती बलिदान की, पहाड़ बगाने नहीं होंगे, हिमालयन पर लाल छाया, मृग तृष्णा और लाजो। ये सभी बुक्स में आपको मिल जाएंगी। इनके साथ साथ कुछ और भी बुक्स हैं जो बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कुछ बुक्स यहाँ पर रिपीट हैं, जैसे जो नई बुक्स हैं मन के मीत, कैदी, लाजो मैंने अभी बता दिया, वृंदा ये एक उपन्यास है, ज्योति मरई ये कहानी संग्रह है, मैं विवश बंदी ये कविता संग्रह है, हिमालय पर लाल छाया ये भी बताया जो कि भारत चीन युद्ध से संबंधित है, दीवार के उस पार ये जेल स्मरण है, राजनीति की शतरंज ये भी इम्पोर्टेंट है, साथ में बदलता युग बदलते चिंतन। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको बता दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किन्नर देश और हिमालय परिचय। मिलता जुलता नाम मैंने पहले भी आपको बताया है, जो कि हिमाचल प्रदेश परिचय था, जो कि देवराज शर्मा ने लिखी थी। बट छोटा सा नाम में यहाँ पर डिफरेंस है, हिमालय परिचय और किन्नर देश ये दोनों ही राहुल संस्कृत्यान ने लिखी हैं और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हिमाचल के मंदिर और पहाड़ी चित्रकला, बहुत बार आजकल ये एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, जो कि किशोरीलाल वैद्य जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट है हिमालयन पेंटिंग और हिमालयन पिलग्रिमेज। ये जितनी भी पुस्तक मैंने लिखवाई हैं आप इनमें से किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है एग्ज़ाम्स में आई हैं। और ये जो हिमालयन पेंटिंग और हिमालयन पिलग्रिमेज है ये BN दातर जी ने लिखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट काफ़ी हमने यहाँ पे बुक्स ली हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, शिमला अतीत और वर्तमान, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तारीख़ रियासत हिंडूर। तो इनके जो ऑथर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, तो जैसे इसका नाम है GC बर्नस, आई थिंक आप पता नहीं कैसे याद रखते हैं, बट जैसे मैं याद रखता हूँ, जैसे यहाँ पे है बंदोबस्त से वर्नस से मिलता जुलता यहाँ पे हिंट आपको दिया है। जैसे जो शिमला अतीत और वर्तमान है, तो जो शिमला वाले हैं वो थोड़ा जो बकबक है आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो कम करते हैं, और आप जब कुल्लू और लाहौल स्पीति में जाओगे तो जो कोट है, जो हार्ड कोट है वो आपको जो है वो डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जो आप इंटरलिंक कर सकते हैं तभी याद रहते हैं। और जैसे तारीख़ रियासत हिंडूर, तो यहाँ पे नाम है बालकराम सूद, तो आप सूद को पकड़ सकते हैं कि जो सूद लोग होते हैं उनसे जो हमें कम डरना चाहिए, ठीक है, वो जो है डरावने नहीं होते हैं और हमें उनसे जो है डर नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी एंड हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। यहाँ पे देखें जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने जो मंडी स्टेट है वो लिखी है, और जो विक्रम कायस्थ हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखी है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों को जो आप ध्यान में रखें।
और खुद से भी जो आप यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल की कला एवं पुरातत्व और चंबा पेंटिंग। नेक्स्ट है हिमाचल लोक नृत्य और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये चारों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कि फर्स्ट दो बुकें हैं वो बीसी ओहरी जी ने लिखी हैं। इसमें चंबा पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो नीचे वाली है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है और पहाड़ी लोक नृत्य ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इन सभी के जो ऑथर्स नेम्स हैं आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हैं महाराजा संसार चंद, किन्नर लोक साहित्य, हिमालयन बॉर्डरलैंड। तो जैसे महाराजा से राजेश्वर एक महाराजा जैसा नाम है तो आप यहाँ पे से इसको रिलेट कर सकते हैं, राजेश्वर नारायण सिंह। किन्नर लोक साहित्य, किन्नर देश भी मैंने आपको एक पहले बताया था जो कि राहुल संस्कृत्यान ने लिखी थी, और किन्नर लोक साहित्य जो है बंशी राम शर्मा जी ने लिखी है। हिमालयन बॉर्डरलैंड जो है वो राम राहुल जी ने लिखी है। इसे आप राम से आप बॉर्डर को जोड़ सकते हैं, जो कि सीता जी ने एक बॉर्डर की तरह जो लक्ष्मण रेखा थी वो उसको क्रॉस किया था, तो राम जी ने आगे चलकर रावण का उसमें वध किया था। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्लिप आप हिंट जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग जो है ये MS रंधावा जी ने लिखी है और हिमालयन आर्ट ये JC फ्रैंक ने लिखी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, साथ में STF हिमाचल प्रदेश ये भी अभी बार बार पूछी जा रही है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पर तारीख़ रियासत सिरमौर, कंट्री लाइफ, बिलासपुर की कहानी, कुल्लू देश की कहानी, प्राचीन हिमाचल, ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, सभी के ऑथर्स नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिसमें तारीख़ रियासत सिरमौर, यहाँ पे आप नाम देखें रंजोर सिरमौर, यहाँ पे लास्ट में आपको मोर और जोर जो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, डबल मात्राएँ लगी हैं, आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड्स, ये खुद से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो ये पूछी जाती है, आप यहाँ से देखें कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ को आप किस तरीके से जोड़ेंगे, ये जो नोरा रिचर्ड्स हैं इन्होंने अपनी जो कंट्री है, क्योंकि ये विदेश से हैं, इन्होंने अपनी कंट्री छोड़ी है और जो अपनी लाइफ है उसका मैक्सिमम पार्ट जब वो हिमाचल में बिताया है, तो आप यहाँ से जो इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे बिलासपुर की कहानी, बिलासपुर की कहानी अक्सर किसी ने सुनी है, कोई भी जो है बिलासपुर की कहानी को जो है वो सुनना नहीं चाहता है। इसमें जो बिलासपुर की कहानी है हम जो है वो अक्सर कभी कभी जब वो सुन लेते हैं, बाकी कोई भी जो है इसको नहीं सुनता है। नेक्स्ट है कुल्लू देश की कहानी, जिसके जो ऑथर हैं वो लालचंद पारथी हैं, इसको ट्रिक आप खुद बनाएं। और लास्ट है प्राचीन हिमाचल, तो आप प्राचीन पांडे करके दो तीन बार बोलें, आपको कभी भी जो है ये जो बुक है वो नहीं भूलेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी काफ़ी बुक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है मुख्तसर तारीख रियासत चंबा, इसके जो ऑथर हैं वो हैं गरीब खां। चंबा भौगोलिक परिस्थितियों में थोड़ा सा बैकवर्ड है, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा गरीब है, बट दिल्ली से जो है चंबा के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं काफ़ी जो है वहाँ पर घूमा हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो मुझे वहाँ पर मिले हैं, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो चंबा की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अभी थोड़ी सी बैकवर्ड हैं, थोड़ी सी गरीब हैं। बाकी जो बिलासपुर की कहानी है वो हम अक्सर सुनते हैं, बट जो बिलासपुर का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है वो बहुत ही आनंदमयी है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हिमालय सर्किट, ये जो लास्ट वर्ड सर्किट है और इसके जो ऑथर है वो है ZD खोसला। तो सर्किट को जो है आप यहाँ पे इंटरलिंक करें घोंसले से, क्योंकि जो कभी भी जो सर्किट है वो घोंसले में नहीं आता है, क्योंकि जो घोंसला जो पशु पक्षी बनाते हैं वो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि सूखी लकड़ियों का बनाते हैं, तो घोंसले में जो कभी भी सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो आप वहाँ से जो है थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमनिया किन्नौर, जिसके जो ऑथर हैं वो है RK कौशल। देखो यहाँ पर जो वर्ड है सभी में क लगा है और जो ऑथर उसके नाम के पीछे भी क लगा है, मीन्स किन्नौर कौशल, किन्नौर कौशल से जो है आप यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, जब आप हिमाचल में ट्रैवल करते हैं तो पहाड़ी एरिया है तो आपका जो मूड है वो ऑलरेडी ख़राब इसमें हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर मोड़ आपको देखने को मिलते हैं, तो जब भी आप हिमाचल में ट्रैवल करते हैं तो आपका जो मूड है, हमारा जो मूड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से इंटरलिंक करें। बाकी द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश सभी जानते हैं, जगमोहन बुलोखरा जी ने काफ़ी अच्छी बुक लिखी है, और वैदिक आर्य और हिमाचल, जो वैदिक आर्य थे वो ऑलमोस्टली राजपूत थे, तो यहाँ से आप इसके पीछे नाम भी
एम्मा ठाकुर लिखा है, तो आप यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा जो इंटरलिंक करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बुक्स अभी हमने ली हैं वो हैं हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएँ, पीठ पहाड़ी त्रिगत और हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था ये मियाँ गोवर्धन सिंह ने लिखी है, जिनको 1986 में जो है उत्कृष्ट हिमाचली संस्कृति साहित्य पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इनको 1986 में पहला 22 प्रमार पुरस्कार मिला था। त्रिगत ये विनोद हिमाचली जी ने लिखी है, पीठ पहाड़ी ये जयदेव किर ने लिखी है, और हिमालय पुत्र किन्नौर की गाथाएं ये सरवन नेगी जी ने लिखी है। तो आप इनको खुद से भी इंटरलिंक करें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो हमने आपको बता दी हैं, बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी आप उनको फाइंड कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।